chillala party. And in the meanwhile, she was running and coming. Good morning, food fam, and welcome to my world of sinful eating. I really hope ki aap logon ko abhi tak mera jo vlog hai, jo travel series chal rahi hai Meghalaya and Assam ki aapko maza aa raha hai. Chaliye to fir aaj main aap logon ko khilati hu at some of the iconic and oldest eateries in Guwahati, and hum khayenge wahan ki most famous dishes. These are few eateries which I've jotted down jo yahan par, like you know, these are the emotions of Guwahati people. This place is specially because ye bahut purani hai and naam se kafi chalti hai. To chaliye fir khate hain, aur khane se pehle aapko kya karna hai, aapko karna hai channel ko subscribe and make sure that you're following me on Instagram and Facebook for daily yum delicious updates. So chaliye, let's explore the iconic eateries of Guwahati. Hello. The two Priyanka's are back after long time. After long time. तुम कितनी पतली लग रही हो, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ. पहले ऊपर ऊपर जाने पर पहले ही रिवर्स था, मैं ऐसे दिखती थी और अब वो ऐसे दिखती थी. नहीं, मैं पहले पतली थी, तुम मोटी थी. अब तुम पतली हो गए, मैं मोटी हो गई हूँ. सो यस, वी आर प्रियंका फ्रॉम नावटी इंडिया. The office जो आप लोग हमेशा देखते हो, जो आप लोगों को अच्छा लगता है. So that is the place where we met each other. You're the very right person in Guwahati. No, you don't have to take any time. Who knows everything about parking, because since morning we were having a lot of trouble in parking. But now we have got the right person. I know many of the driving, but I know parking. You know parking. That's all for us. My first destination is Rebuti Chaat House, which is one of the oldest fast food center in the city. Now, यहाँ जो खाने आए हैं वो है चाउमीन, which is quite famous and popular among the locals. There's only the special में आप देख ही सकते हो, चाउमीन rolls, drinks and bites. But I've heard a lot about the चाउमीन. ये कितना? हाँ? वीडियो फूड ब्लॉगर कोलकाता. कितना साल पुराना है ये? 1987 सितंबर माह. आपका नाम? नारायण चंद्र बोरा. सर, यहाँ पे चाउमीन बहुत लोग खाता है ना? हाँ. तो आप मेनू में और कुछ ऐड क्यों नहीं किए? दादा, ये बनाएगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा. हाँ, तो इसलिए चाउमीन. हम भी आपके चाउमीन के बारे में बहुत सुना है. यू कैन सी देयर किचन इज वेरी लिमिटेड एंड द स्पेस इज ऑल्सो वेरी लाइक क्वेंट. इट्स नॉट लाइक वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इट्स वेरी कोजी. हाउएवर, आई विल टेल यू दैट ओनली हैविंग लिमिटेड मेन्यू विद द चाउमीन, एज द ओनर सेड दैट ही डज नॉट वॉन्ट टू डाइवर्ट द टेस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड, सो ही इज जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग हिज मेन्यू टू चाउमीन. सो नाउ लेट्स जस्ट ईट हाउ दिस चाउमीन फ्रॉम रिबुटी टेस्ट. सो हियर वी हैव गॉट द वेज रिबुटी स्पेशल चाउमीन. नाउ दिस इज फॉर मोनू, वो वेजिटेरियन है. शी इज अ पक्का मारवाड़ी, दैट टू महेश्वरी मारवाड़ी. एंड हियर वी हैव गॉट द स्पेशल रिबुटी नॉन वेज चाउमीन. आप देखो इसके ऊपर टन्स एंड टन्स ऑफ फ्लफी एग, यू हैव चिकन चंक्स एंड द सैलड, द कैबेज, कैरेट, अनियन. वाह, दिस लुक्स अमेजिंग. द टोमेटो सॉस का बॉटल इज ऑल्सो वेरी स्वीट क्यूट है ना. चिली चिली, आपका सॉस का बॉटल बहुत अच्छा है. हाँ, ओ दिस इज नॉट चिली सॉस, चटनी. वट चटनी? धनिया पत्ता का चटनी. दिस इज नॉट चिली सॉस, ये इनका धनिया पत्ता का चटनी है. आ, लुक्स डिफरेंट. वाह, अमेजिंग. दिस लुक्स फैब्यूलस, फैब्यूलस. द फर्स्ट बाइट इज ऑफ द फ्लफी एग. दिस स्क्रैम्बल्ड एग टेस्ट वेरी गुड. द बैलेंस ऑफ सोया सॉस, विनेगर एंड चिली सॉस, जो नॉर्मल चाइनीज कुकिंग का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो काफ़ी अच्छा है. बहुत सी जगहों में क्या होता है, नूडल्स बहुत ब्लैंड हो जाते हैं, बट इनके जो हार्ड नूडल्स में आपको काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, बिकॉज ये जो अंडा का है ना, इस अंडे को इतने अच्छे से भून के फिर उस नूडल्स में फ्राई करके बनाया गया, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत एनहांस है. हाउएवर, चिकन चंक्स बहुत कम आ रहा है मेरे मुँह में, बट ओवरऑल टेस्ट इज़ अमेजिंग. आई विल हाईली टेल यू कि आप जब आओ इधर तो इनकी वो हरी चटनी के साथ डेफिनेटली खाइएगा. द हरी चटनी इज एडिंग अ लॉट ऑफ फ्लेवर टू दिस नूडल. द नूडल्स आर ऑल्सो वेरी वेल कुक्ड. नहीं नहीं, उतना झाल नहीं है, पता नहीं चलेगा. अगर देख, वरुण को भी बड़ा बड़ा बाइट्स खिला रही हूँ मैं. स्पाइसी? नॉट स्पाइसी. हाउ इज इट? इट्स इन द लोकल, वेरी लाइक आई विल नॉट से रीजनेबल, इट्स डिसेंटली प्राइज्ड. टेस्ट इज वेरी गुड. This is the second best thing which happened just at the beginning of the video. The first thing, I met my very old friend, and the second thing is
having the rebooty chow mein, which I've heard a lot about. Now, the next destination, we'll be going to the Guwahati Dairy. It is established in 1928, so it is more than 70 years old. 71 or 1928, say. 70 तो आराम से हो गया, 70 भी नहीं, 80-90 साल पुराना है ये. And this place is famous for, we need to go check in and then see. Come. You get dhokla, banarasi, laddu, paratha, veg cutlet, samosas and all. But what we are gonna have is some sweets. So I'm gonna have kalakand obviously. And I will have this boil cake. This looks something different. ये boil cake क्या है? एक shahi chop. ये वाला दो ठो. I will first try the boil cake, which is made with chhena. Chhena है ये. केक के शेप में छेना दिया है. हाँ, ओरिजिनल जो घर में हमें को छेना बनता है ना, उसको बस ये स्पाइर शेप में दिया हुआ है. इट्स गुड, लाइक ये बहुत ज़्यादा ही घर का खाना है. लाइक घर में जब हम लोग दूध नहीं पीते थे तो मम्मी ऐसा छेना बना के हम लोगों को लड्डू बना के देती थी. यहाँ पर दे आर सर्विंग इट इन अ स्क्वायर शेप. लेट मी ट्राई दिस कालाकंद. दिस इज नॉट द कालाकंद जो हम कोलकाता में खाते हैं. दिस इज छेना एंड गुड़ का कालाकंद. कालाकंद बेसिकली गोवा से बनता है. तुम लोग यहाँ ऐसे बनता है? यहाँ पे कालाकंद सब डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं. तो तुम बोलिए वहाँ का कालाकंद ज़्यादा अच्छा है. कौन सी जगह का? भारतीय जलपान एक जगह है. हम लोग जब भी ऑडिट पे आते थे तो हमें भी एज यू ऑल नो माय बॉस ही ऑलवेज यूज्ड टू हैव पैक कालाकंद फ्रॉम देयर. सो लेट्स सी इफ वी गेट टाइम तो हम लोग वहाँ का कालाकंद डेफिनेटली खाएंगे. तो वहाँ का कालाकंद तो खोआ वाला होता है. वो बड़ी चीज़ है वाइट वाला एंड ब्लैक वाला. बट यहाँ का कालाकंद अलग. हाँ, ये एकदम अलग है. ये इट्स छेना एंड गुड़ का कालाकंद. अभी हम लोग खा रहे हैं शाही चॉप. आप देखो इसके ऊपर मुझे दिख रहा है आलमंड. हाँ, बाहर संदेश है और मेरे को अंदर लग रहा है कि वो रसगुल्ला जैसा एक मीठा मिठाई नहीं होता वैसा है कुछ. इसको क्या बोलते हैं इस मिठाई को? खीर का जाम. खीर का जाम. ठीक ही बोला मैं. हम लोग का लड्डू जैसा होता है पर इसके बाहर. अच्छा, हम लोग का लड्डू जैसा होता है. यहाँ पर फ्लैट है. Out of all the three which I ate, I think this shai chop is good. Then the kalakand is good, but the boil cake is like, it's like okay, ghar pe bana ke kha sakte. So this guy is doing live painting of this tree, and let's head towards. आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है. ये प्राउड कॉन्टिनेंट से बहुत पुराना है. अच्छा, बट मैं इसको खा नहीं सकती. दादा इटा की सी सॉल्ट. सी सॉल्ट, वाओ. ये ब्लैक सॉल्ट. ब्लैक सॉल्ट कितना करके? 300 रुपए किलो. किलो. वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ पान बाजार वी हैव फाइनली गॉट आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन व्हिच इज शेख ब्रदर्स. नाउ दिस इज आल्सो अगेन द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड ओल्डेस्ट bakery. It was established in 1885, as you can see on the board, and this place is very famous for their traditional bakery food. जैसे कि cakes, pastries, patties, savory items, and I'm so excited to eat all of them. This place looks very nice, very nice, very beautiful. Oh, Sheikh Brothers chips. Is it apple chips? ये कौन से chips हैं? Aloo chips. Let us see what they have to offer in pastries and puffs. यहाँ का best क्या है? सबसे में bread होगा. हाँ? Bread होगा, bread. Bread मतलब normal bread. इसमें खाने के लिए मीठा में और इसमें? आज नहीं है counter में. क्या है उसका नाम? क्या है? मैक्रोनी होगा. मैक्रोनी, मैक्रोनी, कोकोनट पफ होगा. कोकोनट पफ, ठीक है वो एक दीजिए. This, you can see this place is quite busy. Matlab, you get everything and all this are prepared in their own bakery. Let's see how spongy is this. Oh yeah, this is spongy. And there's, you know, you can see there's a layer of vanilla cream. Aur bilkul halka hai, zyada nahi hai, just isko paste karne ke liye dala hua hai. Coffee machine. Oh, sorry. And the cream is so light. बहुत कम मीठा है. अब मुझे चाहती ना, बस लाइक मेल्टिंग काइंड ऑफ, नॉट दैट मच बट यस.
इट्स अ गुड वन. नाउ लेट अस जस्ट ट्राई द ब्राउनी केक. अब ब्राउनी तो हमें नॉर्मल हर जगह मिल जाती है, बट ये इनकी ओन बेकरी में बनाया गया ब्राउनी है. इसके ऊपर अगर वनीला आइसक्रीम और हॉट चॉकलेट हो जाता तो मजा आ जाता. इट्स वेरी नाइस. इसके ऊपर आप देखो वॉलनट दिया हुआ है, चोको चिप्स है. इसको गर्म करके खाने में ज्यादा मजा आता. दो मैंने इसका ऑलरेडी बाइट ले लिया है बिकॉज मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, बट आप कभी आओ तो गर्म करके खाना. अंदर का जो ब्राउनी है ना बहुत स्पॉन्जी है, और जब यू आर गेटिंग द क्रंच ऑफ वॉलनट एंड चॉको चिप्स, इट्स गुड. So she has something to say about brownie. She is saying as a local light of Guwahati, ki brownie yahan ki kafi cheap hai, reasonable hai, and as she said ki taste bahut acha hai, so people must try it out kyunki bahar to Guwahati mein sab jagah bahut expensive hai for the small slice of brownie. And here you will get this brownie cake with walnut and choco chips at rupees 40. Now this is MD cake, and आप देखो इसके ऊपर कितने प्यारे तरीके से चॉको चिप्स स्टफ्ड है. And this looks so good. The color is so good. This is earthy and this is vanilla color. ये काफी अच्छा लग रहा है. Beige color and then earthy color. Now let's just eat. This is tasting like बताती हूँ, रुक जाओ. This is tasting like गुड्डे बिस्किट. गुड्डे बिस्किट क्या क्रिस्प होता है, बट इज सॉफ्ट वर्जन ऑफ गुड्डे बिस्किट. इसका टेस्ट मैं आपको बस बता रही हूँ वैसा खाने में है. दिस इज वेरी Well, my name is Sheikh Shaheen Nawaz, and I'm the owner. I'm the fourth generation. This shop was established by my great grandfather. The famous thing, three types of biscuit. Among them are the lemon biscuit, butter biscuit. Beside, we have variety of breads. Biscuit is the lemon biscuit. This is the cheese straw, and this is the kaju biscuit. Very famous. Yeah. Okay. Please try it. I hope you all. This is butter. This is lemon, no? Yeah. This is butter. This is lemon. Okay. Thank you so much. So, as suggested by sir, let us try this biscuit before trying out the coconut puff. So, I'll try the butter biscuit because I've heard a lot from him about the same. Let's see. The texture is very wafery, very nice. Most customers, they love the butter. Very light. Very light. Normally with lemon biscuit what happens now, the tanginess is too high. Yeah. But with this, when you take the first bite, there's a slight saltiness to the taste. But when you chew it, it's a very light tanginess to the biscuit. Very light. This? Cheese straw. This is a very wafery kind of snacks. You can call it a chai ke saath kaafi acha jata hai. Aap dekho iske upar, I think there's some kind of masala or seasoning they have added to it along with the cheese, and I can see some ajeera as well. Yeah. Agar chai hoti to dip karke khane mein bada maza aata. Oh, it's spicy. Maybe because of the seasoning on top. Yeah. Actually, previously it was not spicy. Now you have just added some modification. I really love the lemon biscuit a lot. The large biscuit. So ab dekho ye jo biscuits hai na, these are all traditional bakery biscuits which earlier we used to have jab to ye packaged biscuits nahi aate the tab hum aise bakery se khareed ke, when we were kids small tab hum aise khareed ke khate the. I'm like reliving my old memories. Ye kaafi khasta hai. Have you tried sweet loaf? I'm really excited to try this coconut puff because इन्होंने इसको थोड़ा गर्म करके दिया है. See how flaky this looks. Is it? It's something is there. Oh, अच्छा. It's oh. There's no coconut cream inside. There's shredded coconut. Oh my goodness. I will, because this is something new for the first time. I'm gonna try. नारू का जो नारियल होता है ना, नारू अंदर का जो स्टफिंग वैसा टेस्ट कर रहा है, एंड ऊपर जो ये पफ है ना, दैट सेवरी, एंड अंदर का जो नारियल है दैट स्वीट. यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड
हाउ ब्यूटीफुल द स्वीट एंड सेवरी स्नैक्स टेस्ट। क्या आप देखो कितना सारा सिल्क का साड़ी का दुकान है। असम इज फेमस फॉर इट्स सिल्क प्रोडक्ट्स, सिल्क साड़ीज। सो इफ यू एवर गेट अ चांस टू कम एंड शॉप इन असम, डेफिनेटली ग्रैब योर हैंड्स ऑनटू सम ब्यूटीफुल सिल्क साड़ीज। सो वी हैव रीच्ड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन व्हिच इज लोखी कैबिन। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस प्लेस हैज टू ऑफर अस। सो वी आर स्टॉप्ड बाय टू दिस प्लेस कॉल्ड लोखी कैबिन, जहाँ पर सुना है यहाँ का समोसा इज वेरी फेमस। आप देखो इसके साथ इन्होंने चटनी दी है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस जगह की, वो है जब मैं इधर गई और मैंने पूछा इधर काउंटर पे कि भैया यहाँ पर क्या फेमस है, मैंने तो समोसे के बारे में सुना और उसके अलावा क्या फेमस है, तो उन्होंने बोला समोसा ही ज़्यादा फेमस है। तो मैंने मिठाइयाँ भी देखी इधर, तो मैंने पूछा मिठाई में क्या फेमस है, तो हिज आंसर वॉज वेरी लॉयल एंड वेरी गुड। उन्होंने कहा कि मिठाइयाँ तो आपको यहाँ पर हर जगह मिल जाएगी, बहुत कॉमन है, बट आप हमारा समोसा खा के देखो, दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। सो यू सी दिस इज लाइक बंगाली सिंगाड़ा, हमारे आलू इज एकदम फाइनली मैश्ड, इसमें छोला है, बादाम है। बंगाली सिंगाड़ा से थोड़ा लहसुन रहता है, अदरक लहसुन में फर्क मालूम है तो? रोशन थाके ना। तुम लोग डिबेट कर ले। चौपे होते पर एक बड़ा इतना है मतलब छोटा आधा था कितने समय। वेरी गुड। समोसा का ये वाला बहुत खस्ता है। गुवाहाटी में 20 रुपीज का कॉइन हमने फर्स्ट टाइम देखा है और इसको पता नहीं है 20 रुपीज के कॉइन के बारे में। वायरल पार्टी है इस बात पे, पार्टी चिल्लड़ पार्टी। सो प्लीज अवॉइड माई स्वेट एंड प्लीज अवॉइड अप योर स्पेक्स। We look pathetic in specs. So I met Food Fam. What's your name? Madhusmita. Madhusmita. Have you had a conversation? No. Instagram? Maybe some other girl. Yeah. So I was in Fancy Bazaar exploring the streets and eating some local food. As you can see, I'm already sweating. And in the meanwhile, she was running and coming. I was like, "Kya ho gaya?" And I found her. And my roommate also watched your vlogs. Okay. He's such a big fan. Thank you so much and thank you so much for coming and talking to us. This is something that's very precious. So my next destination is Mahamaya Restaurant, which was established in 1980. Let's see what this place has to offer us. You can see this place offers a lot of pulao, omelette, veg plate, roti sabzi, paratha sabzi, sweet tea, boondi laddu. A lot of stuff, but इनके menu is limited, but they have a very loyal customer base up here. And सुना यहाँ पर लोग आके बहुत सुकून से खा के इस place को बहुत enjoy करते, because I think it's more than 100 years old. Because यहाँ पर पुलाव ख़त्म हो चुका है, so I could have ate the paratha sabzi, but after talking to the people up here, मुझे पता चला कि यहाँ का पुलाव is very famous. So I decided, क्योंकि अभी 6:30 बज गए, so I decided that I'll come back tomorrow and I'll just give you my experience of pulao from Mahamaya restaurant. Hey, Central Mall तो यहाँ का famous है ना? Central Mall है, shopping mall है, right लेना, तो एक ही turn है. We have come to this place called Banaras Ghat Chaiwala, which is in Valley View. अभी रात का टाइम है, I can't show you the view, but ये ऐसे sloping है. अगर दिन का टाइम होता तो you could have seen the greenery and greenery के बीच में घर. Let us have tea. This place has been suggested to me by Monu. तो चलिए इस घर की चाय पीते हैं. चाय बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाय इज अमेजिंग. इसमें तुलसी पत्ता का काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है. गाइज अभी ये यहाँ ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नॉइज एंड डिस्टर्बेंस है, तो आई थिंक आई नीड टू शो यू द मॉर्निंग व्यू, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर ये सीनिक व्यू है और आगे चल के शायद लेक है, रिवर व्यू है, ब्रह्मपुत्र रिवर. तो हम चलिए, मैं आपको मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ. सो दिस इज हाउ इन द मॉर्निंग दिस प्लेस लुक्स लाइक.
सो यहाँ पर हमने कल शाम को चाय पी थी बनारसी चाय वाले के पास. सुना है यहाँ पर इस व्यू वैली में पीपल कम्स अप स्पेशली कपल्स, दे कम हियर, दे टेक हैव चाय देयर और वो यहाँ पर इधर यहाँ का व्यू का बहुत मज़ा लेते हैं. द व्यू इन इटसेल्फ इज़ वेरी गुड, यू कैन सी द रिवर ब्रह्मपुत्र, दिस लुक्स अमेजिंग. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड यहाँ पर सुना है लोग फोटोज़ भी क्लिक करवाते हैं. लेट्स सी वी कैन क्लिक सम गुड पिक्चर्स. यस, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग. और फिलहाल तो अभी वो बनारसी चाय वाला बंद है बिकॉज अभी 10:45 हो रहा है. बट दिस प्लेस इज़ अमेजिंग, लाइक गुड प्लेस टू कम स्टैंड एंड हैव अ ग्रेट व्यू एंड डू सम गुड कॉन्वर्सेशन एंड चिट चैट. I remember having Chenga in my Assamese series. So this is also one of the most iconic and oldest eatery in Guwahati. हमने कल वीडियो वहाँ ख़त्म कर दी थी. मैं इस वीडियो को नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज वहाँ हमारा रेस्टोरेंट अभी कल ख़त्म हो चुका था. तो इसके बाद हम हमारा रेस्टोरेंट जाएंगे. यहाँ आए हैं हम खाने प्रॉपर आसामीस थाली. नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि गुवाहाटी में आके आसाम में आके ये मेरा फर्स्ट आसामीस थाली है जो मैं खाऊंगी. एंड मेरे आसामीस वाले सीरीज में मैंने काफ़ी कुछ बनाया था, मसूर टेंगा एंड खार. सो ऑल ऑफ दिस वी गोना ईट हियर, लेट्स गो. लुक हाउ ब्यूटीफुल इज दिस वाइब. सो आप देख सकते हैं जगह काफी बड़ी है एंड ये बहुत पुरानी है. लुक एट हाउ सिंपल द इंटीरियर्स आर. दिस इज जस्ट एग्जैक्टली ऑन द मेन रोड. इफ यू चूज टू ईट थाली हियर, सिटिंग हियर, यू कैन इजीली गेट द व्यू ऑफ द रोड एंड यू कैन एंजॉय योर डिलीशियस फूड अप हियर. द बिल्डिंग नेम इज पैराडाइज. पैराडाइज के फर्स्ट फ्लोर में दिस इज द रेस्टोरेंट जहाँ पर हम खा रहे हैं. दिस इज आई थिंक मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी एंड वन ऑफ द आइकॉनिक स्पॉट टू ईट आसामीज थाली. एंड इस रेस्टोरेंट का नाम है परंपरा. ना यहाँ पर जो हमने ऑर्डर किया है दैट इज़ परंपरा थाली. सो आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस थाली. एंड अगेन मैं बोल देती हूँ आसामीज डू ईट पॉर्क बट यहाँ पर हम लोग मटन और फिश खाएंगे. दिस प्लेस डज नॉट सर्व पॉर्क. गूसबेरी सूप, ओके. और ये रोस्टेड रोटी, ये इसके साथ पीते हैं. सो ये है मेरा ट्रेडिशनल परंपरा आसामीज थाली. खार बोलते हैं, खार पपीता से बना है, दाल है, चना दाल, चना दाल, ये मैश पोटैटो. फिर इसको बोलते हैं पिटिका, पिटिका से बोलते हैं हम लोग. ये साग का सब्जी. ये कौन सा साग है? ये मीठी साग. मेथी, फिश टेंगा, ये कॉफी फ्लोर का चटनी है. हाँ, ये सत्तू है और ये मस्टर्ड पेस्ट, स्टीम्ड फिश और राइस. सो यहाँ पर मटन करी हम पियेंगे. ये गूसबेरी सूप, ना दिस इज समथिंग विच आई एम गोना ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड ये इसमें मिर्ची दिया हुआ है आई थिंक. एंड ये एक रोस्टेड रोटी है. दिस इज स्वीट. घी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, झरना घी जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्राउन घी. किस में दिया हुआ है? दिस इज स्वीट, दिस इज क्रीमी स्पाइसी और उस घी का काफ़ी अच्छा फ्लेवर्स आ रहा है. आह, दिस इज सो गुड, लिटिल टैंगी एज वेल. आई थिंक जब सिप करेगी ना, टेक दैट मिर्ची, पुट दैट इन. ओह, स्पाइसी टैंगी वॉर्म, दिस इज वेरी गुड. बंगाली कल्चर और आसामीज कल्चर इज मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम. सो हम लोग के जैसे मैंने बताया था, वी ईट बॉइल्ड फर्स्ट, देन साग, देन दाल, देन वी हॉप इन टू द यू नो स्पाइसी करी. इन द सेम वे ये ऐसे जाना है, पहले खाद के साथ दाल, फिर आलू चोखा, फिर साग एंड देन यू ईट द करी. सो लेट अस जस्ट ट्राई ऑल ऑफ देम वन बाई वन. इसके अंदर पपीता है, सरसों का तेल का काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा है. एंड देयर इज पेपे एंड चना. वेरी लाइट, वेरी सूदिंग. अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. अदरक का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है. द पपीता की वजह से ना ये बहुत क्रीमी हो गया है. एंड वेन यू गेट द क्रंच ऑफ चना विद द बाइट, इट्स अमेजिंग. एंड द डैश ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन इट,
उसका फ्लेवर्स एंड अरोमा इज अमेजिंग. नाउ आई एम नॉट अ बिग फॉन्ड ऑफ मेथी साग, मुझे पसंद नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा देख के. वी कैन सी सम डाइज्ड गार्लिक, इसके अंदर गार्लिक दिख रहा है. देयर इज रेड चिलीज विच इज लाइक अमेजिंग, एंड यू कैन सी सम स्मॉल डाइज्ड पोटैटो पीसेस. सो नाउ लेट्स जस्ट ईट, एंड आई थिंक मेरे को हाथों से खाना चाहिए, स्पून से भी उतना मज़ा नहीं आ रहा. कड़वा, हल्का सा कड़वा, बट द टेक्सचर ऑफ ग्रीन लीफ ऑफ मेथी पत्ता इज अमेजिंग. जो बिटरनेस है, गार्लिक का जो टेस्ट है, वो काफ़ी बैलेंस कर दे रहा है उस बिटरनेस को. दिस इज चना का दाल नॉर्मल, एंड दिस इज पितिका, आलू पितिका, बेसिकली आलू चोखा. यहाँ पर इन्होंने ये बंद फूल गोभी का दस अचारसी, दस स्मॉल लिटिल चंक्स ऑफ फूल गोभी. I'll take this. Let me taste this one. This has a very strong aroma, but the taste is good. But the aroma is not favorable. This phulgobi achar is sweet in taste. And this is tasting like shreddo dal bhat, aloo bhata, aloo bhate, shreddo dal bhat, waisa taste kar raha. Now let's try this steamed fish. Mere ko lagta hai it's bhetki paturi kind of thing. Aisa lag raha hai, yes. Hai na? But bhetki paturi to different tha, get it different. Iske andar aapko lal mirch dikhega, dhaniya patta hai, and ye masala hai. This looks very, 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 very tempting to me. I gotta try this. So you can see the rohu fish. Normally हम लोग जो steam fish खाते हैं वो भेटकी में खाते हैं, तो ये first time हम लोग rohu में खाएंगे. Oh my goodness, I can't tell you. I have never imagined कि rohu much steam fish में इतना अच्छा taste करेगा. It's tasting very close to भेटके fish, but भेटके fish का जो fillet होता है उसके अंदर कोई bones नहीं होता है. इसमें हल्का हल्का bones आपको मिल रहा है. That is the only constant which I am getting. Otherwise the taste is amazing. It's very light on the palate. Though इसके अंदर they have given red chili, but it's not that spicy. Now इस थाली में what is written is they have the option of duck meat. But however अभी duck meat available नहीं है, so you have options to choose either from chicken curry or mutton curry. But we have opted for mutton curry. इसका टेक्सचर देखिए ग्रेवी का, काफ़ी क्रीमी है. सो ना इसके लिए तो आई विल डेफिनेटली यूज दिस गोंदोराज लेबू. यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट आसामीज फूड, आई हैव ऑलरेडी इनकाउंटर्ड दिस इन माई प्रीवियस वीडियोज व्हेन आई हैव एक्चुअली ट्राइड टू कुक आसामीज फूड एट होम. वन थिंग इज फॉर श्योर, डो दे हैव अ लॉट ऑफ वराइटीज, बट द फूड इज वेरी लाइट ऑन द पैलेट. इट विल नेवर मेक यू फील वेरी हैवियर ऑन योर टमी. आप खाने के बाद ना यू स्टिल हैव प्लेस इन योर स्टमक. ना इनकी जो फिश करी होती है ना, आसामीज फिश करी, आई जस्ट लव लव बिकॉज इट्स वेरी सूपी, वेरी लाइट एंड खट्टा होता है बिकॉज इसमें नींबू डलता है. आई रिमेम्बर कि जब मैंने घर में भी बनाया था, दैट टर्न आउट टू बी सो 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 गुड. मी माई मॉम इज सो हैप्पी कुकिंग दिस. तो ये इसके ऊपर कुछ लीव्स हैं, सो आई एम जस्ट गोना रिमूव दिस लीव्स. ये क्या पत्ता है? ठेकिया. हाँ, ठेकिया, ठेकिया लीव्स. तो यहाँ पर ग्रोथ है वो ना. तो ये जो लीव्स है जो मैंने बोला कि जो मैं हटा दी, आई डोंट नो, आई एम नॉट ईटिंग दिस, इसके वजह से शायद इसमें काफ़ी ज़्यादा अरोमा एंड फ्लेवर्स आ रहे होंगे. दिस पत्ता इज नोन एज ठेकिया लीव्स. दिस इज डिफरेंट देन द वन व्हिच आई कुक्ड एट होम. मे बी बिकॉज ऑफ दिस ठेकिया लीव्स, इसका एक अलग ही रो फ्लेवर्स है. इट्स गुड, यू नो, यू गेट दिस हल्का भूंजा हुआ फ्लेवर्स इन योर माउथ. फाइनली हियर इट कम्स द डिजर्ट, आसामीज डिजर्ट. यहाँ पर आप देखो, वी हैव गॉट सम पफ्ड राइस, एंड ये यहाँ पर क्रीम है. मैंने जो घर पे बनाया था वो दही से बनाया था. सो लेट्स पोर द क्रीम कम्प्लीटली. यहाँ पर हमारे पास ठंडी ठंडी मेल्टेड गुड़. गुड़ है या हनी है? गुड़ है. गुड़ है, वाह, फैबुलस. नाउ बैड, नाउ मिक्स दिस अप. सॉरी, क्रीम डालने की वजह से इसके अंदर एक अलग ही स्मूथनेस है टेक्सचर में. और द पफ्ड राइस इज़ वेरी डिफरेंट. यहाँ का मूडी जो है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है. आफ्टर ईटिंग सच सोलफुल थाली,
दिस इज द बेस्ट सिंपली डिलीशियस डिजर्ट. हम कल आए थे यहाँ पर रात को शाम को, पर ये बंद मतलब पुलाव फिनिश हो गया था, तो अब हम आए हैं यहाँ पर पुलाव खाने के लिए. यहाँ आपको सब मिल जाएगा, वेज पुलाव, मटन पुलाव, चिकन पुलाव. सो वी गोना हैव चिकन पुलाव अप हियर. रियली, ओह माय गुडनेस, आई एम सो इम्प्रेस्ड. You get pulao and chicken curry. I was expecting a chicken pulao. मेरे को भी ना पुलाव होगा. And at only 70 rupees. This is amazing. This like it's very 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 impressive. Very impressive. I was really surprised to see when this platter came because this looks amazing. I was expecting a chicken pulao jahan pe, you know, rice ke andar hum jo normally pulao khate chicken ka, but this is amazing. Ab dekho yahan par alag se they have given this chicken curry with two pieces of chicken. There's a pulao, thoda sa chawal, gajar shred karke pulao banaya, and salad. Now this is priced for rupees 70 only. एंड कोई आराम से बैठ के, और ये बहुत लाइट भी है ब्रेक लंच के हिसाब से, आराम से बैठ के आप अपना यू नो पेट पूजा कर सकते हो. तो चलो अब खाते हैं. लेट मी ट्राई द पुलाव फर्स्ट. ओह माय गुडनेस बिट्टू, दिस इज़ द बेस्ट. वेरी लाइट, बहुत टेस्टी है. इसके जो फ्लेवर्स एंड इसकी जो खुशबू है ना, इट्स वेरी गुड. द राइस इज वेरी वेल कुक्ड. हाईली रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एक बार इधर आके ज़रूर खाइएगा. यू विल नेवर रिग्रेट, यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम. द एम्बियंस ऑल्सो हेयर इज़ वेरी रस्टिक ओल्ड. कुछ चेयर टेबल्स रखे हुए हैं एंड यू नो वेरी कोजी. द हाइट इज़ वेरी टॉल, छोटे छोटे पंखे लॉन्ग हाइट में. इट्स वेरी नाइस, একদম বাড়ির মতন খাবার লাগছে, একদম বাড়ির মতন খাবার. ও চিকেন কারি কা ঝোল ইজ নট লাইক নর্মাল চিকেন স্টু উইচ উই হ্যাভ. আলুর দম খায়া, আলুর দম কা কোই পাতলা কারি বনা কে দে না, ভেসা টেস্ট কর রহা হ্যায়. ইটস স্পাইসি, জেসে ইয়ে বহুত সাটল ইন টেস্ট হ্যায়, বাট দিস ইজ স্পাইসি এন্ড দ্য অ্যামালগামেশন অফ বোথ ইজ অ্যামেজিং. ইয়ে খা কে জ্যাদা সুকুন মিল রহা হ্যায়. यही खत्म करती हूँ. हम मिलेंगे अगले एपिसोड में विद सम रियली डिलीशियस फूड इन गुवाहाटी. तब तक के लिए इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर डेली यम डिलीशियस अपडेट. सी यू इन द नेक्स्ट टाइम. हैप्पी ईटिंग.